आज हमारा डे 17 का क्लास है और हम जो पिछली क्लासेस था लास्ट क्लासेस था इसमें हम सीखा किसे फ्लावर को कैसे ड्रॉ करना है और ट्रीज भी सीखा, हम कुछ ट्रीज भी सीखा शेडिंग की मदद से। और आज की क्लास में हम ग्रेफाइट पेंसिल्स के मदद से हम जो सीनरी होता है विलेज का सीनरी वो किया। तो हमने पहले क्लासेस में ग्रेफाइट पेंसिल जो कि आपका जो एग्जाम्स होता है और इसे सिर्फ 10 मिनट्स में हम जल्दी से जल्दी हम ग्रेफाइट पेंसिल से एक जो सीनरी का पार्ट होता है उसको कम्प्लीट कर सकते हैं। तो हम उसको करेंगे और हम अब जो लाइट की डायरेक्शन होता है लाइट की तरफ होता है उसको उसका तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग पे, किधर डेप्थ देना है और किधर किधर लाइट डायरेक्शन है तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है और ड्राइंग पे। सबसे पहले हम जो हट है उसको हम कर लेंगे कि हम जो इधर कर रहे हैं ये पूरा का पूरा फ्री हैंड की मदद से कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्केल का यूज़ कम कर लेंगे। तो इसमें जो हमारा टेक्सचर है वो थोड़ा सा हम डार्क टेक्सचर देंगे कि आप देख सकते हो कि इसे जो एज का पार्ट होता है। और इसके बाद जो इसका अंदर वाले पार्ट होता है तो ये कंप्लीट होने के बाद हम जो इधर है इधर भी थोड़ा सा एक रफ टेक्सचर देंगे। और इधर भी थोड़ा सा और इसके बाद जो इसका शेडिंग है उसको हम कर लेंगे कि ऊपर से। तो पहले इसका जो अंदर की पार्ट है इसको पूरा कपड़ा डार्क रहना देंगे। तो आप किधर रफ टेक्सचर देना चाहते हैं उसको आप इसका मदद से कर सकते हैं। ऊपर का पार्ट हो गया, जो नीचे का पार्ट है सिर्फ एक लाइट शेड देंगे। तो इसके बाद जो इसका अंदर वाले पार्ट है उसको फिल कर देंगे। पूरा का पूरा फिल कर देंगे इसको, पूरा का पूरा लाइट। तो इसके बाद हम इस पे थोड़ा सा ग्रास कर सकते हैं। आपको ग्रास स्टिक चाहिए तो आप थोड़ा सा स्मूथ पेंसिल को यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल को, कि आप देख सकते हो ग्रेफाइट पेंसिल जो होता है उसको जो बॉटम कपड़ा होता है वो थिक आता है। तो
तो इसमें आप कुछ दिखाना चाहिए तो आप दिखा सकते हो। सिर्फ ऐसे लैंड को स्मूथ टेक्सचर दे सकते हो आप। और इसके बाद जो इसका पीछे वाली पार्ट होता है नीट्रीज, किसी भी जो घर होता है पीछे उसको भी हम कर सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हो इधर। थोड़ा सा स्क्रिबलिंग के मदद से हम इसको स्क्रिबल कर देंगे। सेम टेक्सचर देना है जो कि आप इधर दिया था। और इसके बाद आप इधर एक छोटा सा ट्री बना सकते हैं। तो ये ट्री बन गए। उसके बाद हम जो सामने वाली ट्री होते हैं उसको करेंगे कि सामने वाला ट्री तो थोड़ा सा पास में होंगे तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे जो कि डिस्टेंस है कि आपके हिसाब से आप किसी भी ट्री का डायरेक्शन दे सकते हो। तो गाइस वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबी हो चुका है तो इसलिए हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है पार्ट टू में लाएंगे कि इसका पूरा का पूरा ड्राइंग हम पार्ट टू में कंप्लीट कर देंगे। तो इस ट्री के साथ हमारा इस वीडियो कंप्लीट कर देंगे। तो आपका किसी भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो तभी तक सेफ रहे, खुश रहे, धन्यवाद गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे।